नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज गणित में क्षेत्रमिति का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में पूछे जाएंगे। तो आइए, पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात कौन सा होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो अनुपात पूछा गया है। तो आप ऐसे यानी कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त की परिधि 2πr होता है और व्यास क्या होता है, यानी कि आपका 2r हो जाएगा व्यास। तो इसका अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात में से हम लिख लेंगे यहाँ पे, यानी कि ये हम आपको बताएं कि व्यास होता है 2r और वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो आप ऐसे यहाँ पर लिखिएगा, अनुपात में पूछा गया है तो 2πr, क्योंकि हमको पहले दिया गया है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पूछा गया है। तो वृत्त की परिधि हो गया 2πr, अनुपात और व्यास कितना हो जाएगा 2r। तो देखिए इसमें क्या क्या आपका कट जाएगा, यानी कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और क्या कटेगा आपका ये r और ये r कट जाएगा। क्या बचा, पाई अनुपात, इधर ना कुछ तो एक, तो ये इतना बचा। आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है और अनुपात लगा दिए, त्रिज्या यानी कि r होता है, तो सिर्फ यहाँ पे r हो जाएगा। अब आपका ये त्रिज्या यानी कि ये r r कट जाएगा, तो क्या बचा 2πr अनुपात न कुछ दर एक, तो ये आपका आ गया। तो देखिए 2πr अनुपात एक कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों इसका सूत्र आपको याद रहना चाहिए, तभी आपका क्षेत्रमिति बनेगा। अगला प्रश्न है तीन नंबर, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि दो वृत्त है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहला वृत्त हम मान लेते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है, जिसको 1 मान लेंगे, और फिर बटे दूसरा वृत्त को मानेंगे पाई आर 2 स्क्वायर, बराबर देकर के पहला वृत्त का 4 हो जाएगा, तो 4 अब बटे में, और ये अनुपात मतलब बटे होता है, आप लोग अनुपात पढ़े होंगे, अब फिर 1। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आर 1 बटे आर 2 पे होल स्क्वायर। आप 8वां क्लास में पढ़ेंगे ये घात क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अब फिर बराबर दे करके लिख सकते हैं आप 4/1। अब इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, उस पार भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, यानी कि आर 1 बटे आर 2 बराबर रूट अंडर हो जाएगा 4/1। तो अब क्या हो जाएगा आपका, आर 1 बटे आर 2 बराबर 4 का 2 निकल जाएगा और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही होगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आर 1 अनुपात आर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2:1, 2:1, 2:1 कहाँ है आपका, 2:1 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 4, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों सवाल में पूछा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने बने जाएंगे। तो दोस्तों हम ऐसा करेंगे कि इसका यानी कि बड़ा वाला, ये 3 है तो बड़ा वाला बनेगा, और 1 सेंटीमीटर है तो ये छोटा वाला बनेगा, यानी कि बड़का में हम छोटका से भाग देंगे तो कितना संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए आप गोले की संख्या, लिखिए यहाँ पर गोले की संख्या बराबर,
यानी कि हम निकाल लेंगे इसका क्या, गोले का आयतन निकाल लेंगे। तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है आपका, गोले का आयतन होता है 4/3πr³ बटे, या छोटका आयतन हम यानी कि आप लिख देंगे 4/3πr³। तो हमें ये त्रिज्या दिया गया है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ये तो हम सूत्र लिखे थे, डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो हमें यहां पर लिखेंगे यानी कि ये तो यहां पे ये बड़ा वाला तो यहां पे बड़ा वाला गोले का त्रिज्या आ जाएगा, यानी कि बड़ी आर बराबर लिख देंगे हम 3, और छोटा वाला यानी छोटकी आर बराबर लिख देंगे 1। तो अब हम निकालेंगे यहां पर यानी कि गोले की संख्या, तो गोले की संख्या शॉर्ट में लिख देंगे बराबर, हम क्या करेंगे बड़का का आयतन निकाल के छोटका का आयतन निकाल के भाग देंगे, तो डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है, तो r का मान बड़ा वाला है तो 3 का³ हो जाएगा, बटे फिर छोटा इसका भी वही होगा क्योंकि गोला मतलब बड़का गोला से छोटका गोला बना रहा है, तो ये हो जाएगा छोटा वाला, तो 4/3πr³ यानी 1 का³। तो देखिए अब इसमें आपका क्या क्या कट रहा है, इसमें आपका 4/3 कट जाएगा, 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, अब आपका कितना जाएगा, तो 3 का³ कितना होता है 27, और 1 का³ तो 1 ही होता है, तो 1 छुपा रहता है, यानी कि आपका कितना हो गया 27 गोले बनेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है, किसी संबेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, किसी संबेलन की त्रिज्या कितनी है 7 सेमी है, और ऊंचाई यानी कि h कितना है 10 सेमी है, इसका 7 सेमी और इसका 10 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh, 2πrh इसका कितना होता है 2πrh होता है, इसका मान यानी कि सूत्र, संबेलन का पृष्ठ क्षेत्र कितना होता है 2πrh होता है, तो आप यहां पे डायरेक्ट बैठा दीजिए, तो 2 × π का मान 22/7 / r का मान कितना है 7, तो 7 / h का मान कितना है 10, तो 10 लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये 7 और ये 7 कट गया, और ये फिर 2 × 4 2 × 4 यानी कि 22 × 44 / 10, तो बराबर कितना हो जाएगा इसको गुना करने के बाद 410। तो 410 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको सूत्र डायरेक्ट लिखिए और सवाल को हल कर दीजिए, ये सभी लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिक से नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमको आंसर निकालना है, तो डायरेक्ट लिखिए और आंसर निकालिए तेजी से, तो आप समझ गए होंगे, लेकिन हाँ सूत्र याद रखिएगा, संबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh, तो यहाँ पे हमको r का मान दिया था, h का मान दिया था, बैठा करके मान निकालने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ गए होंगे, एक शंकु है और उसका दिया गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका त्रिज्या जो है दिया गया है आपका 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए या हिंदी में हल लिख लीजिए। तो हल लिखने के बाद अब लिखिए शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर 14 सेंटीमीटर, फिर लिखिए शंकु का
ऊंचाई h। अब हमको यहाँ पे दिया और क्या दिया गया है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहां पर लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि इसके बराबर, क्योंकि इसका मान इतना होता है और इसके बराबर इतना दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई आर एल बराबर 880 लिख लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 लिख लेंगे और गुना आर का मान कितना है, आर का मान 14 है, 14 लिख लेंगे। उसके बाद फिर गुना एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमको ज्ञात करना, तिर्यक ऊंचाई ही पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तिर्यक ऊंचाई पूछा गया है, तो हम यहाँ पे एल को ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद फिर बराबर 880 लिख देंगे। अब इसको कटा दीजिए, 7 × 14 तो आपका कितना आ गया, इसको गुना करने के बाद 44 एल बराबर 880 आ गया। अब ये 44 से दो बार में कट जाएगा और ये जीरो उतर जाएगा, यानी कि एल बराबर आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना आ गया, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपका निकल गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पांच नंबर प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, यह सभी प्रश्न जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव में और दो नंबर में भी पूछ सकता है। तो आप सभी पहले यहाँ पर लिखिए सल्यूशन या हिंदी में हल लिखिए। अगर आपको यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आपको अलग तरीका से बनाना है डायरेक्ट, और अगर आपको यह सब्जेक्टिव यानी दो नंबर में पूछा जाएगा तो बनाना है इस तरह से। तो अब यहाँ लिखने के बाद हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और h बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यह तो आप लिखिए यहाँ पर शंकु के आधार, फिर लिखिएगा यहाँ शंकु की ऊंचाई। तो दोस्तों आप आधार मतलब त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या जो लिखिएगा यही हो जाएगा और शंकु की ऊंचाई यही हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखिए अब यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर, आर का मान कितना है 6, यानी कि 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे 36 लिख सकते हैं डायरेक्ट, या आप 6 × 6 लिख सकते हैं, फिर गुना एच का मान कितना दिया गया है 14 यहाँ पे लिखिए। अब देखिए ये कट जाएगा आपका 3 × 6 कट जाएगा, फिर 7 × 14 कट जाएगा। अब इसको गुना करिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22 × 44 और 6 × 12, तो इसको टोटल गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 528 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अगले प्रश्न की ओर।